चलिए बच्चा, गुड मॉर्निंग सबको। सॉरी, गुड आफ्टरनून। आदत, मॉर्निंग की ही क्लासेस चल रही थी ना, इसलिए आदत हो गई है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या है कि लास्ट मोमेंट है आपका, 10 रोज़ मुश्किल से आपके पास है, 8 से 10 रोज़ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिविज़न कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 10 के करीब सेट हम लोग क्या है बना करके देखेंगे, ताकि अलग अलग पोर्टल का, ऑली बोर्ड का, प्रैक्टिस मार्क, जो भी बड़े पोर्टल्स हैं, सभी पोर्टल से क्या है हम लोग 10 के अराउंड या 10 से अधिक सेट बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी रिलेटेड थ्योरी होगी वो हम आपको देते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, कि इंकजेट प्रिंटर किस चीज़ का एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि हम लोग कागज़ और कलम का प्रयोग करते हैं, तो सरफेस पे क्या होता है ना, पेन हमारा टच करता है, तो ऐसे इस तरह की प्रिंटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। लेकिन इंक जेट में क्या होता है, हमने बताया था कि प्रिंटर से क्या होता है कि एक इंक का स्प्रे होता है कागज़ पे, और दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं करती कागज़ में, यानी मीडियम और मीडिया दोनों एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो वैसे प्रिंटर को हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जबकि आप टाइपिंग करते हैं अगर टाइपराइटर पे, तो वहाँ पे देखिएगा जो कीज़ होती हैं वो पेपर पे जाकर के टकराती हैं, यानी वो उसको टच करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी, बताते चलिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में जो जानकारी बार बार यूज हो रही हो उसके बारे में जानकारी कहाँ पे रखी जाती है, उससे रिलेटेड जानकारी कहाँ रखते हैं। तो हमने जब आपको बताया था तो समझाया था कि कंप्यूटर में जो CPU होता है वही आपका डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये सब याद कीजिएगा, रिविज़न भी ज़रूरी है। CPU है, CPU से जुड़ा हुआ होता है आपका RAM, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और RAM जुड़ा हुआ होता है सेकेंडरी स्टोरेज से, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो फाइलें होती हैं ज़रूरत पड़ने पे RAM में रखी जाती हैं, ताकि बार बार सेकेंडरी स्टोरेज से CPU को क्या फाइल उठानी ना पड़े, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। RAM इसकी तुलना में फास्ट होता है, तो CPU के लिए यहाँ से रीड और राइट करना ज़्यादा आसान होता है। CPU के अंदर में ही एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं, जो RAM में रखी हुई फाइल CPU को बार बार ज़रूरत पड़ती है वो CPU कैश मेमोरी में ही स्टोर कर लेता है, ताकि बार बार RAM तक जाने का समय बचे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। चलिए अगला सवाल है। When internet data leaves the computer, it moves to dash before reaching the actual destination at the end, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर से कोई जानकारी आप इंटरनेट पे भेजना चाहते हैं, मतलब आपके पास कोई जानकारी है जो आप इंटरनेट पे भेजना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर से वो जानकारी निकलती है, लेकिन वह जानकारी जिसके लिए आपने भेजी है, जिसके पास यह जानकारी जानी है, उस तक पहुँचने से पहले एक माध्यम से होकर के गुजरती है, उस माध्यम का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, यानी कि NAV, बी होगा इसका आंसर। यानी आपका आपकी जानकारी आपके कंप्यूटर से जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उस तक पहुंचने से पहले जिस पोर्टल से होकर के गुजरती है, उस पोर्टल को क्या कहते हैं, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रीति। चलिए आगे है। इन अ स्कूल लेबोरेटोरी, मतलब स्कूल है, स्कूल के लैब में जो नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं उस नेटवर्क को क्या कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे स्कूल के लैब की बात की जा रही है, तो स्कूल का जो लैब है वो क्या है, एक छोटी सी जगह होती है, 25-50 के करीब कंप्यूटर होते हैं, तो एक छोटे एरिया में फैले हुए नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन, ठीक है। चलिए आगे देखते चलिएगा। जिस दिन तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम क्या है, प्रतिदिन 1-2 सेट इस तरह से करवाते रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आगे देखिएगा। इफ यू वांट योर कंप्यूटर टू स्टार्ट एट द स्टेज इन विच इट वॉज टर्न ऑफ, यू हैव टू पुट इट इन, यानी आपका कंप्यूटर जहां पे था, जिस अवस्था में था,
उसी अवस्था में वापस शुरू हो जाए। यानी कि अभी देखिएगा मेरे कंप्यूटर पे, देखिएगा आपको नीचे में 3-4 फाइलें ओपन दिख रही होंगी, मतलब जो जो सॉफ्टवेयर ओपन है। हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए और जब दोबारा ओपन हो तो यहीं से उठे शुरू हो, यानी ये सारी फाइलें क्या हैं, खुली हुई हमें मिले, तो इसे कहते हैं हाइबरनेशन। इसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के लिए क्या होता है कि आपके प्राइमरी मेमोरी में जो भी प्राइमरी मेमोरी का डेटा, यानी आप अगर काम कर रहे हैं तो सारी फाइलें कहाँ पड़ी हुई, प्राइमरी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी का एक कॉपी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी लाइट कटने के बाद काम नहीं करती, उसमें रखी जानकारी नष्ट हो जाती है। उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं उनको रैम में वापस डाल दिया जाता है और कंप्यूटर आपको यथावत उसी रूप में दिखता है जिस रूप में आपने बंद किया था। इसे कहते हैं हाइबरनेशन। अब यहाँ पे है, किस मेनू से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में हेडर या फिर फुटर डाल सकते हैं। हेडर या फिर फुटर अगर आपको डालना है, अब हेडर फुटर होता क्या है, तो आप देखिएगा कि जैसे आपकी कोई किताब होती है तो आपकी किताब में क्या होता है, ऊपर में बुक का नाम और सबसे नीचे में पेज नंबर लिखा हुआ रहता है। यह जानकारी नॉर्मली हम लोग हेडर या फिर फुटर में डालते हैं। यह जानकारी हेडर या फुटर में डालने के लिए आपको वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा बच्चा, इंसर्ट मेन्यू का। एक बार दिखा देते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा, ठीक है, तो आपको यहां पे देख रहे हैं हेडर और फुटर दिखेगा, ये देखिएगा, ये है हेडर और फुटर। ऊपर में जो मार्जिन के ऊपर में जो जानकारी लिखी जाती है वो हेडर, और मार्जिन के नीचे में जो जानकारी लिखी जाती है उसे कहते हैं फुटर, ठीक है। ये कहां मिलेगा आपको देखने के लिए, इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, बंद हो गया था क्या मीनू, यहीं पे क्वेश्चन था हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इन केस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के केस में, यानी जब कंप्यूटर की बात की जाती है, जब कंप्यूटर को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर के केस में विच टाइप ऑफ मीनू विल शो फर्दर सब च्वाइसेस। यानी एक तो मीनू होता है, मीनू के अंदर में आप जब जाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा क्या है, च्वाइसेस देखने को मिलती हैं। ये किस मीनू में होता है, तो इसको कहते हैं पुल डाउन मेनू। क्या कहते हैं बच्चा, पुल डाउन मेनू। जैसे देखिएगा हम ये जो सॉफ्टवेयर यूज करें इसको फायरफॉक्स कहते हैं, इसमें अगर हम फाइल मीनू में जाएंगे तो देखिएगा ऑप्शन है और फिर इसके अंदर सब ऑप्शन हैं, तो इसी को कहते हैं पुल डाउन मेनू। जब इसको आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या है, और अतिरिक्त ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं पुल डाउन मेनू। आराम से जितने भी क्वेश्चंस यहां पे बताए जा रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट की स्ट्रोक लेगिंग बाय द हैकर्स। की स्ट्रोक लेगिंग का मतलब होता है कि आपका जो आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कौन कौन से कीज को प्रेस कर रहे हैं वो उन कीज को क्या करता है, मैप कर लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट खोला, फ्लिपकार्ट पे आपने कोई चीज़ खरीदी और कोई चीज़ खरीदने के बाद आप क्या कह रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए आपने यूज़र आईडी डाली, पासवर्ड डाला, सब कुछ अगर आप कीबोर्ड से डालते हैं तो कीज़ को क्या करते हैं, हैकर मैप कर लेते हैं कि ये कौन सा की डाल रहा होगा, कीबोर्ड से क्या क्या इनपुट हो रहा है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल कीपैड का प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पे ही एक कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हम लोग उस पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं, इसी को कहते हैं वर्चुअल कीपैड, ठीक है।
आगे देखिएगा, विच इज द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट अपियर्स एज अ जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली कॉजेस डैमेज टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब होता है exe फाइल यानी प्रोग्राम फाइल्स। तो ये जो फाइल है आपको देखने में लगेगा कि तो चलो कोई साधारण सी कोई फाइल है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो अन्य फाइलों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे वो ट्रोजन हॉर्स होगा, ट्रॉय की कहानी आपने पढ़ी होगी, हेलेना को जीतने के लिए क्या है मतलब हेलेन को वापस पाने के लिए ट्रॉय के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन ट्रॉय की दीवारें इतनी मजबूत थी कि लोग क्या है जीत नहीं पाए, तो वो कैंप लगा करके बाहर ही बैठ गए। दिन पे दिन बीतते गए लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था ट्रॉय के अंदर प्रवेश करने का। तो उन्होंने क्या किया, एक रात उन्होंने एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोरा बनाया, उसके अंदर में खाली जगह थी, उसके अंदर सैनिक छुप के बैठ गए। सवेरे जब ट्रॉय के लोगों ने आँख खोली तो उन्होंने देखा कि भाई सभी सैनिक जा चुके हैं और एक घोड़ा बाहर में लकड़ी का बना हुआ है। उनके जो इष्ट देवता थे उनका प्रतीक था घोड़ा, तो उन्होंने सोचा इस घोड़े को क्या है, ये हमारे देवता ने हमारे लिए भेजा है। वो दरवाज़ा खोल करके घोड़े को अंदर ले आते हैं, रात भर पूरा जश्न मनाते कि हम लोग तो जीत गए, सोने जाते हैं। जब रात का अंधेरा होता है तो उस घोड़े में से सैनिक निकलते हैं और ट्रॉय के सभी लोगों को मार करके ट्रॉय पे विजय हासिल कर लेते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो उन्हें हानिकारक नहीं लग रही थी उसने उन्हें हानि पहुंचाई, इसलिए वहां से ट्रॉय के घोड़े को ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। और ये शब्द कंप्यूटर में उन प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में तो हानिकारक नहीं होते लेकिन जब उन पे क्लिक करते हैं तो अन्य फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनको अनयूजेबल बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एक डेटाबेस में, इन अ डेटाबेस विच फीचर विल अलाउ टू सर्च फॉर एनी रिकॉर्ड कंटेंट इन इट, किस फीचर का प्रयोग करके आप उस डेटाबेस में रखी हुई जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बताइए। क्यूरी, और इसके लिए जो भाषा यूज होती है उसको कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which among the following is used to check whether the user of a website has accessed the content but it works usually invisually? ठीक है, तो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक फीचर होता है वेबसाइट का जो यह देखता है कि जब कस्टमर इस वेबसाइट पे आया तो उसने वेबसाइट पे कोई कंटेंट यूज़ किया अथवा नहीं किया, और आपको पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर क्या है वर्क कर रहा है, इसको कहते क्या है, तो इसे कहते हैं वेब बीकन। क्या कहते हैं बच्चा, वेब बीकन, जिसका काम यह है कि वह इस बात पे नज़र रखता है कि कोई यूज़र अगर वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट पे आकर के कोई कंटेंट कंज्यूम करता है या नहीं, वेबसाइट पे उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करता है अथवा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल होता है एक। आपको बताना है कि OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब आपने पढ़ा होगा, नेटवर्क लेयर। तो OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं बताइए। 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। ठीक है, देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम हमें बार बार जरूरत पड़ता है, जिन फीचर्स को हम लोग बार बार यूज करते हैं, वो एक जगह पे चित्र के रूप में रख दिए जाते हैं कि इस फंक्शन का ये व्यक्ति बार बार इस्तेमाल करता है। वह जगह क्या कहलाती है जहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन जो हम बार बार यूज करते हैं उनको रख दिया जाता है, स्पेशल बार, टूल बार, लाइट बार, स्पेस बार, फंडामेंटल बार, क्या कहेंगे? टूल बार, सही है। चलिए अगला सवाल देखिएगा सबको।
अगला सवाल आपका कह रहा है यहाँ पे, डैश आर द प्रोग्राम्स विच कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ्स एंड एट द सेम टाइम स्लो डाउन द हार्ड ड्राइव बाई कंज्यूमिंग स्पेस इन इट। इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट करता है? रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कि एक है वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह होता चला जाएगा। तो रेप्लिकेशन के कारण क्या करता है, वो आपके हार्ड डिस्क पे स्पेस कंज्यूम करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है। कंप्यूटर वर्म, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर स्पेस, फर्म वॉल, फायर वॉल, क्या है? रिप्लाई करोगे सब कोई? ठीक है, कंप्यूटर वर्म कहते हैं, ध्यान देना, वायरस, वर्म, इन सभी में फर्क होता है। ठीक है, वर्म क्या करता है ना, रेप्लिकेशन के द्वारा आपका जो मेमोरी होता है उस मेमोरी को कंज्यूम कर जाता है और आपके कंप्यूटर को यूजलेस कर देता है, मतलब आपका कंप्यूटर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। देखोगे, द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट रन विदाउट द कंट्रोल ऑफ देयर ओनर्स एंड आर यूज टू सेंड स्पैम्स टू अदर कंप्यूटर्स और मेक डिनाइल ऑफ सर्विस टू यूजर्स। डीओएस अटैक होता है, देखो डीओएस अटैक समझा देते हैं थोड़ा सा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, ठीक है। मान लो कि एक कंप्यूटर सर्वर है, वो एक बार में 10,000 यूजर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ है, इससे पहले कभी क्लास किया हो इंग्लिश का? हाँ, दूसरा जब पढ़े। कहाँ पढ़े? जेनिथ।
अब आवाज़ आ रही होगी, लिंक चला गया था, ठीक है, कंप्यूटर वाला आया था, उसी को डांट रहे थे कि भाई कैसे चला जाता है। तो फिर से बात कर लेते हैं और थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि वो कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या फिर वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जिनको उनका ओनर यानी उनका मालिक नहीं चलाता है, ठीक है, जो उनका ओनर होता है वो नहीं चलाता है, वो ऑटोनोमस होते, खुद से काम करते हैं। उनका काम क्या होता है कि या तो वो स्पैम करते हैं, स्पैम करने का मतलब होता है कि मल्टीपल यूज़र्स को कोई एक जानकारी बार बार भेजते रहते हैं, या फिर वो किसी भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए DOS का सहारा लेते हैं। DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो मान लो एक सर्वर है जो 10,000 साउंड आ रहा होगा, बच्चा विवेक साउंड देख लोगे, साउंड आ रहा है ना, देख लो, चलो आ रहा है इसका मतलब। तो 10,000 यूजर को एक बार में हैंडल कर सकता है। अगर एक व्यक्ति बॉटनेट होता है ऐसे आंसर, वो क्या करे, 10,000 बॉटनेट बना करके, और ये बॉटनेट क्या है, बार बार इस कंप्यूटर पे आए, इस सर्वर पे जाए और इस सर्वर को क्या रखे, इंगेज रखे, तो अन्य कोई व्यक्ति क्या है, काम नहीं कर पाएगा और हम कहेंगे कि ये सर्वर क्या हो गया, क्रैश कर गया। इसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, DOS अटैक। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सामी नेटवर्क का इशू हो ही जाना है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है बच्चा, बट चलो इस पूरे सेट को तो हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। शाम के समय में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, दोपहर हो या शाम हो, सवेरे में ठीक रहता है, मतलब हमारे यहाँ की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह नहीं होता है। तो नंबर क्रंचर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में कैलकुलेशन करने में सक्षम है, मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सुपर कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, नंबर क्रंचर्स कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में या बड़ी संख्या में कैलकुलेशन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, डैश इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स, ठीक है। तो एक से अधिक नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए आप इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है। देखो राउटर कहते हैं, ये राउट करता है, ये डेटा को क्या करता है, राउट करता है, इसको किस जानकारी को किस नेटवर्क पे जाना है यह भेजने का काम कौन करता है, आपका राउटर करता है, ठीक है। हब जो होता है, हब का काम होता है एक कनेक्शन को मल्टीपल कनेक्शन में बदलना या फिर मल्टीपल कनेक्शन को एक सिंगल कनेक्शन में बदलना, यही काम क्या होता है, आपका हब का होता है। जो स्विच होता है वह हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क को स्विच करने के लिए, स्विच करने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक से आगे आपको DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे डेटा भेजना है, तो आप स्विच के माध्यम से दो अलग अलग नेटवर्क को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। रिपीटर जो होता है वो क्या करता है, मान लीजिए कोई सिग्नल चला 500 मीटर के बाद यह सिग्नल क्या हो गया, वीक हो गया, तो वहाँ पे एक रिपीटर लगा हुआ रहेगा जो इस सिग्नल को फिर से क्या करेगा, स्ट्रांग बना देगा, फिर इसको आगे क्या है, भेज देगा, और फिर 500 मीटर की दूरी पे एक दूसरा रिपीटर होगा, और इस तरह से क्या है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में बनी रहती है। सिग्नल कोई डिवाइस का नाम नहीं है, देखिएगा। डैश इज अ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ टेक्स्ट इन विच रेफरेंसेज आर गिवन टू वेरियस टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन देम, ठीक है। तो एक अक्षर का या फिर एक टेक्स्ट का संबंध दूसरे टेक्स्ट से बताने के लिए हम लोग किस टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा ही होगा, इसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। जैसे
हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, एक टेक्स्ट से किसी दूसरे टेक्स्ट का क्या करता है, टेक्स्ट का या फिर रिसोर्स का रेफरेंस देता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया अखबार, ठीक है, लेकिन इसके पीछे हम क्या करते हैं, एक लिंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चा, लिंक डाल देते हैं। आप किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं इससे, इससे आप चाहे तो किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं। अब देखिए इसको लिंक करने पे क्या होता है वो देख लिया जाए। ठीक है, अब इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो अपने आप ये क्या है, आपको किसी और फाइल की तरफ ले जाएगा। किस फाइल की तरफ ले गया, इस अखबार के पास। मतलब उसके नीचे आप कुछ भी डाल सकते थे। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे कि ये अखबार जो लिखा हुआ है क्या है, ये क्या एक सामान्य टेक्स्ट है, तो आप बोलिएगा नहीं सर, एक सामान्य टेक्स्ट नहीं, बल्कि ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। ये किसी दूसरे लाइन, किसी दूसरे पेज, किसी दूसरे रिसोर्स को भी क्या कर सकता है, यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। यहाँ पे सवाल में भी यही पूछा गया था। डैश इज द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ टेक्स्ट इन विच रेफरेंसेज आर गिवन टू वेरियस टेक्स्ट बाई क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन देम। एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट से एसोसिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट को दूसरी फाइल से जोड़ा था और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। आगे देखिएगा, ब्लू लाइन अंडर अ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि कुछ शब्दों के लिखने के बाद कहीं पे ब्लू लाइन उनके नीचे आ जाती है, कहीं पे उनके नीचे क्या है, लाल रंग की लाइन आ जाती है। तो ब्लू लाइन का मतलब क्या होता है, लाल लाइन का क्या मतलब होता है, तो लाइन जो रेड कलर की लाइन होती है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक स्पेलिंग एरर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने, रुक जाइए, हम हरी लिखना चाहते हैं, हरी मतलब जल्दी करना, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि वो दिखे। लेकिन हमने क्या है, हरी में यू की जगह ए लगा दिया। क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है। अब देखिएगा हम जैसे ही यहाँ पे स्पेस बार देंगे, अच्छा ये हैरी तो नाम होता ही है ना, ई लगा देते हैं। अब देखिए इसके नीचे क्या है, लाल रंग की लाइन आ गई और हमें ये सजेशन देगा राइट क्लिक करने पे कि क्या क्या हो सकता है, हैरी हो सकता है, हरी हो सकता है, हनरी हो सकता है। हम हरी लिखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर ब्लू कलर की लाइन आती है तो उसकी क्या मीनिंग होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्लू कलर की लाइन आएगी तो उसकी क्या मीनिंग होगी, तो इसकी मीनिंग होती है फॉन्ट चेंज। फॉन्ट चेंज का मतलब क्या होता है कि जो जिस फॉन्ट में आप कहीं से टेक्स्ट को कॉपी करके ला रहे हैं वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, और इस कारण से यह जो शब्द है वो गलत दिख रहा है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं बता सकते यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में लगभग सारे ही फॉन्ट हैं। ठीक है, कुछ मिसिंग रहता है तो फॉन्ट चेंज करने के लिए वो क्या है, ब्लू लाइन दे करके आपको बताता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिएगा, एक्सेल से है, एमएस एक्सेल से। विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्प्रेडशीट सेल विच डज नॉट चेंज अनलेस इट इज मूव्ड और कॉपीड टू सम अदर लोकेशन। यानी नॉर्मली हम लोग सेल में क्या करते हैं, कोई भी फाइल मतलब कुछ लिखते हैं तो सेल का कंटेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इस सेल का कंटेंट तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसके कंटेंट को आप कॉपी कर कट करके कहीं और ले जाकर के पेस्ट नहीं कर देते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ध्यान रखिएगा। एनी सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू रन एनी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट इज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज डैश। अब यहां पे ध्यान दोगे, बहुत जूम है अपना, ती रेजोल्यूशन देख लोगे, ठीक है, हम अपने आप बढ़ा देते हैं घटा देते हैं डिपेंडिंग की वो पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आना चाहिए। तो होता क्या है कई बार कि
आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक्सपेंडेबल होता है। एक्सपेंडेबल कहने का मतलब आप उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहर से कंपोनेंट उसमें जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 2015 में कोई कंप्यूटर खरीदा और एक नई मशीन आती है 2018 में और आप उस मशीन को खरीद लेते हैं और आप उस मशीन को अपने कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो 2015 में बना था, तो उसको नहीं पता इस नई मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो जो आपने नई मशीन खरीदी है उसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर क्या है उस मशीन को यूज़ करने में आपके कंप्यूटर की क्या करेगा, मदद करेगा। आपके कंप्यूटर को बताएगा कि इस मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है। और उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं बच्चा, डिवाइस ड्राइवर। आप देखिएगा कि कभी आप एक नया मोबाइल खरीद के उसको भी कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो पहली बार में 10 या 15 सेकंड में वो क्या करता है, उसके लिए ड्राइवर को इंस्टॉल करता है ताकि उस मोबाइल को वो ढंग से क्या है आपको यूज़ करने में मदद कर सके। अगला देखिएगा, इफ वायरस इज ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड वंस एनी वेबसाइट इज विजिटेड द सेम इज नोन एज। अगर कोई ऐसा वायरस है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आप जैसे ही उस वेबसाइट को ओपन करते हैं और वो वायरस आपके कंप्यूटर पे क्या है डाउनलोड हो जाता है, आपके कंप्यूटर में वो वायरस लग जाता है, तो वैसे वायरस को हम क्या कहेंगे, ठीक है, वैसे वायरस को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे वायरस को कहते हैं ड्राइव बाई डाउनलोड। कि आप बगल से गुजरे और मतलब उस वेबसाइट से गुजरे और उस वेबसाइट पे जो वायरस था वो वायरस आपके कंप्यूटर पे क्या है लोड हो गया, डाउनलोड हो गया, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ सिस्टम विच इनक्रिप्ट्स एवरी मैसेज सेंट ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। अब इंक्रिप्शन आपने देखा होगा, व्हाट्सएप जब आप यूज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी एंड टू एंड कहने का मतलब है भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक इस जानकारी को बीच में कोई और व्यक्ति ना पढ़ सके, इसलिए इस जानकारी को क्या है एक खास तरह की कोड भाषा में या कूट भाषा में लिख दिया गया है, कोडेड लैंग्वेज में। और यह काम कौन करता है, सिक्योरिटी प्रोसेसर। यह काम कौन करता है बच्चा, सिक्योरिटी प्रोसेसर, ठीक है। उसका काम है नेटवर्क पे भेजी जा रही जानकारी को एक ऐसे कोडेड फॉर्मेट में चेंज कर देना ताकि उस जानकारी को कोई और बीच में इंटरसेप्ट करके पढ़ ना ले। इनमें से कौन सा प्रोग्राम यह चेक करता है कि कोई भी आईपी एड्रेस इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट हो चाहे वो कोई हार्डवेयर हो, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो चेक करता है कि वह आईपी एड्रेस आपका अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो अभी आपने देखा होगा यह हम लोग बार बार करते हैं, जब कभी हमारा इंटरनेट नहीं काम करता है तो हम अपने राउटर तक एक संदेश भेजते हैं और यह मालूम करते हैं कि राउटर आगे या संदेश भेज पा रहा है या नहीं भेज पा रहा है, और इसके लिए हम लोग पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डाला हुआ भी होगा, एक संदेश हम भेज रहे हैं और वो संदेश क्या है 3 या 4 माइक्रोसेकंड में लौट आ रहा है, इसका मतलब वो रिसोर्स हमारा क्या है अवेलेबल है, ठीक है। तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं पिंग, PING, पिंग। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा फिफ्थ जेनरेशन नहीं है। फिफ्थ जेनरेशन या हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपकी ऑलमोस्ट जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं उसी तरह की भाषा होती है और उसका ग्रामर थोड़ा क्या होता है इजी होता है। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो फिफ्थ जनरेशन या फिर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो आंसर होगा आपका फोरट्रेन, ठीक है। फोरट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है।
चलिए, आपको हम लोगों हमने जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS पढ़ाया था तो उसमें बताया था इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस सवाल को देखिएगा ध्यान से, ये वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डेटाबेस रिकॉर्ड विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डेटा। यानी वह कौन सा डेटा सेट है जो किसी भी कॉलम के सभी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ताकि आपको कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना मिले, ताकि आपको कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना मिले, ठीक है। तो उसको कहते हैं कैंडिडेट की। क्या कहते हैं बच्चा? कैंडिडेट की। से क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है। हाँ, जब अंततः उनमें से किसी एक को हम लोग सेट कर देते हैं कि चलो इसी के आधार पे हम हर डेटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको कहते हैं प्राइमरी की। जैसे संतोष कुमार सिंह नाम से कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए जब भी मैं फॉर्म भरता हूँ तो फॉर्म भरने पे मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ताकि जिस संस्था को परीक्षा लेनी हो वो क्या है, हर व्यक्ति को अलग अलग पहचान सके। तो रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हर व्यक्ति को एक अलग अलग की असाइन की जाती है, ताकि कभी भी दो व्यक्ति का डेटा एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। चलिए, AR ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी VR होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां अपने कमरे में बैठे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा हार्डवेयर है जो AR या फिर VR को सपोर्ट करता है, तो अगर हम उसको अपनी आंखों पे लगा लेंगे तो हमको लगेगा कि हम क्या है, कहीं पे भी आप फील कर सकते हैं कि हम झरने के पास बैठे हुए हैं, जंगल में हैं, समुद्र के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है जैसे एप्पल का iOS है, ठीक है, प्ले स्टेशन है, सोनी का विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, इन सभी पे ये फंक्शनैलिटी काम करती है, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनके लिए प्रोग्राम्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। 4 बजने वाला है, आज का जो क्लास है थोड़ा टेक्निकल व्यवधान के कारण क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब रहा, बट आगे से प्रयास किया जाएगा सब कुछ अरेंज करके, क्योंकि आज पहला दिन था ना और शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, लेकिन परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही थी तो हमने टाइम निकाला। बट कल से 3 से 4 एक घंटा मिनिमम ये डिस्कशन का चलेगा, और इस बीच में जैसे ही कोई पॉइंट आएगा जिस पे हमको लगेगा कि अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है, तो थोड़ा रिलैक्स मैनर में कल से क्या है, वो अतिरिक्त जानकारी आपको दे दिया करेंगे, ठीक है। कम से कम 10 प्लस सेट क्या है कर लेना है परीक्षा से पहले, ताकि 80% क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके क्या इनसे टैली कर जाए। तो मिलते हैं कल, ठीक है, कल सैटरडे है, बाकी क्लासेस नहीं रहेंगी लेकिन कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है।